उमर भाई की हालत क्या हो गई है? पिछले एक हफ्ते से इसने नहाया ही नहीं है। परसों के व्लॉग में देखो मैंने नहाया, बहुत झूठ बोलता है, नहाता ही नहीं है। पिछले एक हफ्ते से नहाया नहीं है। जैसे टी-शर्ट देखो क्या सूख गई है। की शुरुआत खांसी से, जो कि अभी हमारी एक गाड़ी खाली हुई है, दूसरी गाड़ी अभी खाली नहीं हुआ है, वो अंदर लगी है फैक्ट्री में। जैसे कि ये गाड़ी हम खाली कर चुके हैं, अभी हम गए थे बाड़ा लाने, तो उधर से वो मना कर रहा है, कहता है अभी बाड़ा नहीं मिलेगा, तो उसके कारण अभी दूसरा गाड़ी जब खाली होगा तो दोनों गाड़ी का देखते हैं क्या बोलते हैं। वैसे तो ये जैसे पार्टी वाला अंदर है, जैसे बात बात करता हूँ उस हिसाब से बहुत गंदा लगता है ये। और हमारी लोकेशन देखो आप, उस जगह पे जहाँ पर यहाँ दिन में भी चोर हो जाते हैं, चोरी करते हैं लोग, यहाँ चोर होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर रात को हमने गाड़ी ली थी अपनी पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे रात को रुके थे, तो अभी फिर हमने गाड़ी वहाँ से यहाँ लाए। ये गाड़ी तो होगी खाली, अभी अपनी गाड़ी दूसरी अंदर लग चुकी है, तो वो खाली करने के बाद बाड़ा मिलेगा। अभी गए थे बाड़ा लाने, वो अंदर वो बोल रहा है कि बाड़ा अगर आपको मिलेगा तभी, अगर आज आप बाड़ा लोगे तो 2500 कटेगा आपको, अगर आप मंडे को लेंगे तो 1% कटेगा। ये समझ नहीं आ रहा है हमको पैसा किस बात पे काटेगा। है जैसे डॉक्यूमेंट जिसने मांगे वो हमने दिए, TDS मांगा वो भी हमने दिया, जो हमारे पास TDS फार्म था वो इसने मना कर दिया, बोला ये नहीं लगेगा। फिर हम दूसरी बना के लाए हमने कल वहाँ से दूसरा TDS फार्म, वो भी दिए, पूरे पेपर हमने दे चुके हैं, लेकिन बाड़े पे समझ ही नहीं आ रहा, हमारा माल भी बराबर है, 2500 किस बात का काटेगा। अभी ट्रांसपोर्टर से बात हो गई हमारी, उसने बोला आप टेंशन मत लो, आप पहले दोनों गाड़ी खाली करो, उसके बाद हम खुद ही बात करेंगे, पैसा वैसा कोई नहीं काटेगा। ये हमने लोड लाया है, इसका इधर तेल बनता है, ऑयल इसको बनता है। ये हमने लोड लाया था वरंगल से, इसका इसको ऑयल बनता है, यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऑयल निकलता है, और साथ में ये बनता है इसको जो हम गाय को देते हैं, खशपल बनान, इस लोड वसान तील बनान, खशपल बनान, जो तुम पैक गपरजी मशीन मज त्रावान और न मजूर बेचार जो यहाँ पे काम करते हैं, देखो बेचारों भाइयों को कैसे नींद पड़ी है इसी माल के ऊपर। तो चलते हैं अपना अपनी गाड़ी के पास जहाँ हमने गाड़ी लगा के रखी है, देखते हैं कितना खाली हो चुका है, हुआ खाली कि अभी नहीं हुआ। तो अभी अपनी गाड़ी का डाला भी नहीं खोला, अभी डाला भी बंद है, ये रही अपनी गाड़ी, बिल्कुल इसी पॉइंट पे ये खाली होगी। ये रही अंदर से ये फैक्ट्री, देखो कितना माल यहाँ पर अभी है जिसका ये तेल निकलता है, इधर भी घोड़े में लगा है, पूरी गाड़ी भी अभी भर के है। उमर भाई की हालत क्या हो गई है? पिछले एक हफ्ते से इसने नहाया ही नहीं है। परसों के व्लॉग में देखो मैंने नहाया, बहुत झूठ बोलता है, नहाता ही नहीं है। पिछले एक हफ्ते से इसने नहाया नहीं है। जैसे आप देखो इसकी शक्ल देखो क्या हो गई है। चावल भी हो गया अपना तैयार, तो अभी राहुल भाई की गाड़ी अंदर ही है, तो देखते है वो कब निकलेगा, फिर जाके जाएंगे दूसरे ट्रांसपोर्ट पे, वहाँ पे अपनी गाड़ी लोड करेंगे। अभी हमें यही खांसी में ही, और देखते आगे का सफर कहाँ शुरू होगा, क्योंकि अभी राहुल भाई की गाड़ी बाहर नहीं आई, वो गाड़ी हो रही थी खाली, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे बनाया हमने अपना तमे मूजूब थोड़ा मेरा अगर रुपये साथ अलाव लगे है तमिक सहल ये निकल गए हम हांसी हिसार से, जा रहे हैं मबूर की तरह, देखते हैं कल की लोडिंग कहाँ का माल मिलेगा। अभी किसी जगह का माल पक्का नहीं है, ये आगे राहुल भाई चल रहा है, चलो चलते हैं।
अबूर की तरह। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी अपने स्टोर पे जहां से हमको सवेरे लोड करना है संतरा। फिलहाल यहां ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो देखते हैं कल होगा अपना गाड़ी लोड के नहीं, क्योंकि यहां पे ठंड बहुत है। अभी मुझे लगता है कि कश्मीर की सारी ठंड यहां आई है, तो ये गाड़ियाँ हो रही है अभी संतरा लोड, तो कल देखते हैं अपनी गाड़ी हो जाएगी लोड कि नहीं। चलो देखते हैं अब कल। ये आ गए हम अपने किनू के गोदाम में और ये रही अपनी गाड़ी, यही से हमें लोड करके जाना है। और यहाँ पे हो गया अपनी गाड़ी का कांटा और ये है अपना उमर भाई। उमर भाई की हालत चेक करो गाइस, बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत दिन से नहाया ही नहीं है उमर भाई ने, देखो। और ये रहा कुछ ऐसा व्यू। यहाँ पे हो गई अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट, जैसा कि आप देख सकते हो ये कैसे लोडिंग हो रही है अपनी गाड़ी की। सब एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और गाड़ी की लोडिंग हो रही है। और ये यहाँ पे 2 क्रेट की हाइट होगी अपनी गाड़ी की, क्योंकि 18 टन ही माल हमें भरना है यहाँ से।